हेलो जी, राम राम जी। हमारा यूट्यूब चैनल में नया वीडियो में था वो सबका स्वागत है। तो आज यह सादा लहंगा की कटिंग चा अपना सादा लहंगा की और एक बुकरम वालों पट्टो लगाऊंगा। तो यह खड़द वालों लहंगो चाहती है पूरा थान बुको गो मेरा ऑर्डर को चाह लहंगो। तो यह 5 मीटर को तो लहंगो चाहे 1 मीटर ब्लाउज चाहे 6 मीटर कपड़ो चाहिए मैं, है ना। तो यह 5 मीटर च पहना को 1 मीटर या बुक कर्म के लिए पट्टी के लिए कपड़ो लीजिए। तो अंदर की साइड फोल्ड कर लाइना। तो देखो लहंगा की लंबाई लेवला पा 37 इंच, नहीं सॉरी 38 इंच तो लहंगा की लंबाई च है और 37 इंच कमर चा अपनी। तो ये 5 पहना चाहे तो यहाँ कटिंग कर ले ला पा 5 आने। देखो ये पहना की लंबाई ना पर बताऊंगी थाने एक तैयारी चाहे, है ना। तो 37 इंच पिक्स है। तो आपने वो कहा चाहे नेप को जुड़ लो तो अक्सर कर लाइन पट्टी जोड़े पा चाहे। तो फिर तो यहाँ कटिंग कर लू ली मैं ना, दोनों तरफ से यहाँ उन्हें कटिंग कर ली मैं समा। तो ये पहना अलग कर ली और इमें सो नेफो निकाल देला साइड में सो आपा नेफा की कटिंग साइड में सो कर ला। तो नेफा की नेफो 37 इंच करनी चाहिए। तो यह नेफा पर निशान लगाऊं ला देखो यहाँ उनका 5 इंच चौड़ाई जी की। तो यह इन पर कटिंग कर ले ला 5 इंच चौड़ाई जी या और लंबाई अपनी देखो ये आ रही है थोड़ी थोड़ी फोल्ड कर देला फिर इनमें सो अपन। तो यह नेफा की कटिंग होगी तो अपना लहंगा की पूरी कटिंग होगी। अब यह बुकरम वालों पट्टो कटिंग कर ली मैं इनमें सो। तो यहाँ फोल्ड कर लू ली इनमें देखो यहाँ उन्हीं का तो यहाँ फोल्ड कर बिछा लू ली यहाँ अब निशान लगाऊं ला पाई पर। तो आपने 4 इंच की जो बुकरम तो इन आप 6 इंच पर निशान लगावा जा, है ना। 6 इंच पर निशान लगा रही थी हम। तो ये 6 इंच पर पूरी पट्टिया पर निशान लगा लू ली फिर पट्टिया कटिंग करा ला पा। एक साइड ही लगाऊं ला इन्हें। तो यहाँ उन्हीं का कटिंग कर लू ली पट्टिया में फिर का। तो पूरी पट्टिया पर निशानी लगा रहा कटिंग कर लू ली मैं। तो फिर सिलाई को वीडियो देखिए। उनकी पट्टिया कटिंग कर लीजिए हूँ। देखो उनका तो ये एक ही लंबाई ना पर बताऊँ तो मैं कत्ती आ रही है अपन ये। तो ये पट्टिया कटिंग कर ली मैं। अब आप लहंगा की
कटिंग होगी। अब सिलाई बताऊंगी, तो सिलाई वीडियो देख जो मैं समझ में आगे पूछो बोल दे। तो देखो ये पैना जोड़ ली मैं, अब पैना जोड़ रही चाहिए, पांच पैना को लेंगे जो आपने सिलाई कर लू देखी जोड़। पहना की सिलाई कर लू मैं, पहना जोड़ लू ली मैं। तो देखो ये आने की पहना की सिलाई कर रही छू मैं। फिर पट्टी तैयार कर ला पहना जोड़े बाद में। पहले की सिलाई पूरी होगी, तो ये पट्टे जोड़ ले ला भाग, फिर बुकरम लगाऊ ला मैं। तो एक बार पट्टे जोड़ लीजिए मैं पूरी सिलाई कर ले लगा कि तो देखो यहाँ उन्हें का सिलाई कर लू ली मैं पूरी पट्टी नहीं आने के सिलाई कर ली ना बुकरम वाली ना। फिर उन्हें अंडी की साइड से लेता का जोड़ा ला। तो बुकरम वाली पट्टी जोड़ दे ला लहंगा का पा आने का एक पकड़ा फोल्ड कर रखकर सिलाई कर लूंगी। फिर अंदर की साइड फोल्ड कर ला बाद में। पहले एक बार ये पूरी पे सिलाई कर दूंगी मैं। देखो ये उन्हीं को फोल्ड कर रहे और ये सिलाई कर लेंगे। फिर इन्हें लेसा भी लगाऊंगा एक ऊपर। तो एक बार मैं पूरी पट लेना यहाँ उन्हीं का सिलाई कर दूंगी है ना, पूरी पट्टी सिलाई करूंगी यहाँ उन्हीं का। फिर एक ऊपर ऊपरली साइड लेसा लगाऊंगा तो पूरा वीडियो देख जो। तो ये लेसा लगा देला देखो एक और दो सिलाई कर दी पे सिंगल सिंगल सिलाई दोनों तरफ लगा दी वाली भी मैं आने का सिलाई कर देला पूरी का। देखो ये आने के लेसा लगा दी मैं पूरी है। अब आप ना अक्सर कर रहे और फिर चुनना डालेगा तो एक एक ही सिलाई करा ला इको दो करी चू मैं। तो इन एक खान फोल्ड कर ले लेंगे आने का आपका थोड़ा थोड़ा मैं को तैयार कर ला। फिर चुना डाल ला, फिर चुना तो डाल ला आपका पूरी में। अब चुना तो भर रही चू मैं लहंगा पूरी में पूरा नेका पापा ले ली चुना तो मैं कर लिया। अभी तो ऊपर लेस लगाऊंगी मैं, है ना, छोटी वाली लेस लगा देंगे आप। तो नेफा पर लेस लगा दी मैं। अब साइड वाला पहना ना कट सिलाई कर लूंगी मैं। तो लास्ट पहना की सिलाई कर ले ला तो फिर आप लेंगे पूरा बंडल तैयार हो जाएगा। उनके साथ दा लेंगे बना चाहे आप लोग बन रहा तैयार ही हो चुका फटत को या ऑर्डर को चाहे या कलर तो पूरा बिक चुका है। ये मैं और कलर चाहे ब्लैक आसमानी और पिंक वो मैं ऑर्डर दे सको। जो तो थान का शौक लागे वो कमेंट कर जरूर बता जो।